दोस्तों कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, और ये हकीकत है। नवीन सचदेवा जो झूठा आरोप लगा रहा है कि मैंने पैसे दिए, क्या उसके पास किसी प्रकार का सबूत है? ऐसे तो मैं भी किसी भी आरोप लगा सकता हूँ। मैं तो कह सकता हूँ कि ऐसे राष्ट्रपति ने पैसे मांगे, प्रधानमंत्री ने पैसे मांगे। भाई मुँह है, कुछ भी बोल सकता है आदमी, लेकिन आप सबूत पेश कीजिए ना। किसी को बदनाम करने से पहले सबूत पेश कीजिए। जैसे मैंने अपने आपको सारे सबूत दिखाए, एविडेंस दिखाए, आप दिखाइए। आप कहते हैं कि मैंने आपको क्या नाम है मैसेज किया, तो नवीन सचदेवा जी आप मेरे न्यूज़ ग्रुप में हैं। आप मैं पूरे ग्रुप को यहाँ से जब मैं मैसेज अपना ब्रेकिंग न्यूज़ मैसेज डालता हूँ तो आपके पास भी आता है। तो आपने अपने आप को मेरे ग्रुप में ऐड क्यों किया हुआ है? आप मेरे ग्रुप से बाहर होइए, न्यूज़ ग्रुप से, तो आपके पास मैसेज नहीं आएगा। तो मैं स्पेशल आप ही को थोड़ा भेज रहा हूँ सर, ब्रेकिंग न्यूज़ मैं अपने पूरे ग्रुप में भेजता हूँ। 100-200 नंबर जितने हैं सभी पास जाती है, तो आपके पास भी आती है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मैंने आपको व्हाट्सअप किया, तो आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में से मेरा मेरे जो ग्रुप में मेरा उसमें से अपना मोबाइल नंबर हटाइए अपना। लेकिन नवीन सचदेवा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने कभी डर के पत्रकारिता नहीं की, हमेशा निडर और निष्पक्ष होकर पत्रकारिता की है। आप ये जो जनता पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, ये बेवकूफ़ बनाने का खेल बंद कर दीजिए। मौत एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। आप मेरे को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, मेरे हाथ पर तोड़वा सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। सच्चाई मैं पब्लिक के सामने लेकर आऊँगा, और आप जिस तरह के दो नंबर का धंधा कर रहे हैं इसका मैं खुलासा करता रहूँगा, कर रहा हूँ, करता रहूँगा।